नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाय, नए भारत का नया मीडिया। बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाते हुए कहा कि अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के वो लायक नहीं है। इतनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए उन्हें थोड़ा मैच्योर होना जरूरी है। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट से हिंदी में एक पोस्ट कर बताया कि बसपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वाभिमान, आत्मसम्मान और समाज में बदलाव के लिए एक मूवमेंट है, जिसके लिए श्री कांसी राम जी और मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। इस आंदोलन को गति देने के लिए नई पीढ़ी की जरूरत है और हम नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मायावती ने यह भी कहा कि इस दिशा में मैंने पार्टी के सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। उनके साथ साथ मैंने आकाश आनंद को भी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, लेकिन पार्टी और आंदोलन के हित में जब तक आनंद पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक आनंद से यह दोनों जिम्मेदारियां वापस ली जाती हैं। साथ में मायावती ने यह भी बताया कि आकाश के पिता आनंद पहले की ही तरह मूवमेंट और पार्टी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने कहा कि बसपा के आला कमान ने हमेशा पार्टी और आंदोलन के हित में ही फैसले लिए हैं, चाहे उसके लिए फिर उन्हें कोई भी बलिदान देना क्यों ना पड़े, वह पीछे नहीं हटते। आकाश आनंद बसपा की अध्यक्ष मायावती के भतीजे हैं। 2015 में जब अपनी MBA करके लंदन से वे वापस लौटे, तभी से इनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया। 16 अप्रैल 2019 को आगरा के कोठी मीना बाजार के मैदान में इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। कुछ ही समय बाद जून 2019 में बसपा की हुई एक बैठक में मायावती ने आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर दिया था। 15 जनवरी 2022 को अपने 66वें जन्मदिन के कार्यक्रम के दिन मायावती ने कहा था कि बसपा आकाश आनंद को पार्टी में बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। वह युवा हैं और राजनीति में धीरे धीरे मैच्योरिटी हासिल कर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें उन राज्यों में पार्टी का प्रचार करने का काम सौंपा जहां बाद में विधानसभा चुनाव होने थे, जिसके चलते 28 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अपनी चुनावी रैली के दौरान आनंद ने आवेश में आके कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो मायावती को पसंद नहीं आए। आनंद ने अपने भाषण में भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य की बुराई करते हुए कहा था कि ना सिर्फ भाजपा एक बुलडोजर सरकार है, बल्कि यह गद्दारों की भी सरकार है। जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और अपने बुजुर्गों को गुलाम बनाती है, वह एक आतंकवादी सरकार है। तालिबान अफगानिस्तान में ऐसी सरकारें चलाता है। इस भाषण के कारण आकाश आनंद पर FIR भी हुई और सीतापुर के पुलिस अधिकारी चक्रेश मिश्रा ने इस मामले में बताया कि आनंद के अलावा बसपा उम्मीदवारों में महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और रैली के आयोजक विकास राजवंशी पर यह मामला दर्ज किया गया है। इस घटना पर विपक्ष के लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं, जैसे कि कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा, बसपा प्रमुख मायावती ने जिस तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी संयोजक पद से हटाया है, वह बेहद चौंकाने वाला है। क्या आपने ये कदम BJP के किसी दबाव में उठाया है? हालांकि यह आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने आरोप लगाया कि बसपा और भाजपा एक अघोषित गठबंधन में है और जिस तरह से आकाश आनंद को उनके पद से हटाया गया है, उससे साबित भी होता है। लोग इसे देख सकते हैं, वे इसका करारा जवाब देंगे। BJP के नेता राकेश त्रिपाठी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मायावती पार्टी तो एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था की तरह चलाती है और वह कभी भी कोई भी फैसला ले सकती है। आकाश आनंद की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी और BJP के खिलाफ उनके बयानों के कारण लोगों में गुस्सा है बसपा के खिलाफ, और इसलिए मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिग वाई मीडिया के साथ।